हेलो दोस्तों, क्रिकेट ओनली एडिशनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान इस समय रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा इस साल T20 विश्व कप और अगले साल ICC वनडे वर्ल्ड कप बतौर कप्तान नजर आएंगे। कुछ ही समय में रोहित शर्मा के पास ICC के सभी महत्वपूर्ण ट्रॉफी में बतौर कप्तान खेलकर जीत हासिल करने का सुनहरा मौका है। लेकिन वही 2023 विश्व कप के बाद से रोहित शर्मा को बतौर कप्तान देखना मुश्किल साबित हो सकता है। रोहित शर्मा की उम्र को देखते हुए बतौर कप्तान खुद को साबित करने का उनके पास काफी कम समय है। लेकिन रोहित शर्मा के बाद इस युवा खिलाड़ी को कप्तानी की भागदौड़ थमाई जाएगी, इसके पूरे आसार हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत आगे जाकर भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार कप्तानों में अपनी गिनती करा सकते हैं। ऋषभ पंत को 2023 वनडे विश्व कप के बाद टीम की कप्तानी दी जा सकती है। ऋषभ पंत कप्तानी के मामले में IPL में चतुर कप्तानों में गिने जाते हैं। मौजूदा समय में टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो कि काफी अनुभवी कप्तान है, टीम में सलाह के लिए मौजूद है। ऐसे में ऋषभ पंत के पास कप्तानी के गुण सीखने का शानदार मौका है। ऋषभ पंत को एक अलग ही ब्रांड के क्रिकेटर के तौर पर पूर्व दिग्गज अपनी राय में शुमार करते हैं। ऋषभ पंत मात्र 23 साल के हैं, लेकिन उनके बल्लेबाजी के स्टाइल के चर्चे अभी से विश्व भर के महान खिलाड़ियों के जुबान पर हैं। उनकी बल्लेबाजी को काफी अद्भुत प्रतिभा का मानते हैं। विश्व के किसी की गेंदबाज के सामने ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने की योग्यता रखते हैं। ऋषभ पंत ने अभी तक का अच्छी पारियां खेली है, जिससे टीम को जीत हासिल हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने भी ऋषभ पंत की काफी तारीफ की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत ने पिछले कुछ समय में काफी प्रभावित किया है, जिसके बाद सुनील गावस्कर ने पूर्व खिलाड़ी पटौदी का उदाहरण देते हुए कहा कि पटौदी को बहुत कम उम्र में कप्तान बनाया गया था और उन्होंने काफी सफलता अर्जित की थी। उसी प्रकार पंत भी कर सकते हैं। ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।